एक बड़ी सियासी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर मोहर लग गई है। वीडियो अंत तक देखिए और जानिए अखिलेश यादव का 2024 लोकसभा चुनाव का सियासी समीकरण। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज यानी शनिवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों पर हमारी गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदलेगी। तो इस ट्वीट से अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि गठबंधन के तहत कांग्रेस यूपी में 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और इससे पहले रालोद को भी 7 सीटें दी गई हैं। आपको बता दें, कांग्रेस और सपा के बीच 3 दौर की बैठक हुई थी, जिसके बाद अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस 20 सीटों पर डिमांड कर रही थी, हालांकि 11 सीटों पर ही बात फाइनल कर दी गई। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास यूपी में रायबरेली की ही एकमात्र लोकसभा सीट है। हालांकि एक सप्ताह पहले जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल के साथ सपा की डील फाइनल हुई है। पश्चिम यूपी की 7 सीटें रादौल के खाते में गई हैं। सूत्रों के अनुसार मेरठ, मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और कैराना की सीटें शामिल हैं। इसमें रालोद को 7 सीटें दी गई हैं, लेकिन इसमें से 3 सीटों पर अखिलेश का ही कैंडिडेट खड़ा होगा, जो कि रालोद के सिंबल पर चुनाव में उतरेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की सभी जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24।